महादेव को ठीक नहीं लगा, शिवजी प्रकट हो गए। बड़ी मुश्किल से आते हो आप, सब जगह जा सकते हो, पर कुबेरेश्वर धाम जब तक बाबा की आज्ञा ना हो। आप में से कई ऐसे भी होंगे, कोई आने वाला था, कोई पहुंच गया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कई बार प्लान बना, कई बार जाने की विचार करा, पर नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत कई लोग, पर कहीं अगर देवाधिदेव महादेव ने आपको इस कुबेरेश्वर धाम में बुलाया है, ये सोनी परिवार, पाठक परिवार इंदौर से आकर अगर कथा करवा रहा है, ऑनलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं बाबा की धरा से, तो यही सोचकर सुनना कि कुछ ना कुछ बाबा को आपको देना होगा, इसलिए बाबा ने यहां बुलाया या आपको कथा सुन। कहीं ना कहीं शिव कृपा। जो लोग ग्रो करते हैं ना, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अरे शिवजी प्रकट हो गए, रोज प्रतिदिन शिव मंदिर जाइए। नहीं सुन रहा ना तो भी जाइए, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। प्रतिदिन जाओ, काम नहीं भी हो तो भी जाओ। उसके दरवाजे जाते हुए वो कृपा, एक पत्र आया है देखिए, अलका संजय जी जायसवाल, सुजालपुर जिला, सुजालपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जनवरी से आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करा है, उसके बाद मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे, बाबा की कृपा, मेरे पति की नौकरी 3 साल से लगी हुई है पर परमानेंट नहीं हुए थे। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा शिव पुराण की कथा आती है उसको सुनो और बाबा से निवेदन कर पशुपति व्रत कर। पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, पशुपति व्रत करने पर भी मन डगमगाया और विचार करा कि बाबा सुनेंगे कि ना सुनेंगे। 16 सोमवार के व्रत भी साथ में उठा लिए, वह भी करना प्रारंभ करा। व्रत पूर्ण होकर फिर वापस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, तब बाबा ने ऐसी कृपा करी 10 अगस्त 2021 को परमानेंट होने का लेटर भी बाबा ने हाथ में दे दिया। ये शिव की कृपा। बाबा से विनती करी, परमानेंट आपने करा दिया है तो दोनों आकर एक बार
कुबेरेश्वर धाम को नमन कर कर शिव महापुराण की कथा का टीवी पर सुना था सागर में कि ऑनलाइन होगी, तो हमने ये विचार करा नहीं भी बैठने देंगे तो अपन थोड़ा सा तो घुस ही जाएंगे, कथा सुनी लेंगे। तो ये विचार कर कर यहाँ आए हैं दोनों जोड़े से बाबा को नमन करने के लिए। साथ में आए हैं आपके, कहाँ है, हाथ लाइए जरा। दोनों दिला दो, बधाई हो आपको परमानेंट होने की, बाबा की कृपा बनी रहे, कुबेरेश्वर बाबा आपको ऐसे ही कृपा बना करके। बैठी बैठी श्री शिवाय नमस्ते। हारना नहीं है, उसकी भक्ति बड़ी बड़ी प्रबल है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, यदि एक लोटा जल शिव को चढ़ाया है, यदि पशुपति व्रत किया है, या भूल से भी एक बेलपत्र चढ़ी हुई धोकर वापिस चढ़ा दी है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि वो निष्फल नहीं हो सकता, मिलेगा जरूर और वह निर्णय आएगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा फाइल जरा दुख की बहुत मोटी है और इतनी मोटी फाइल को थोड़ा सा देवाधिदेव महादेव को छुपाने में समय तो लगता है। जैसे अपन लोग नीचे ऑफिस में ऐसे, वो भी उनका भी एक ऑफिस है, अब उसमें थोड़ा बहुत, वो राजा श्वेत के चक्कर में कितना झगड़ा हुआ, ब्रह्मा जी इस्तीफा देने को चले गए थे कि ये मरेगा तो अभी मरेगा, और भगवान शंकर ने कह दिया तू मार के बता दे, और ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया कि इनकी चले तो हम काहे को नौकरी करें, भगवान विष्णु ने समझाया कि उनके क्षेत्र में जाता क्यों, क्या करूंगा। कृपा शिव की, थोड़ा समय लग सकता, बाबा के धाम में भी आए हो ना तो कहकर जरूर जाना, 3 महीने का सुना है तेरे दरवाजे पर जो आया, खाली हाथ मत भेजें। और इसमें ना जाने कितने लोग आए होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत भी करे होंगे, बाबा ने कृपा भी करी होगी, पहले भी करुणा करी होगी, आज फिर कुछ मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आ गए होंगे। हैं ढेर, करुणा सागर है वो, शिव है वो, शंकर है वो, ओ घड़ी शिवजी प्रकट भी हो गए। राजा सगर ने कहा प्रभु बहुत समय के बाद प्रकट हुए, मैंने कितनी तप साधना करी, मैंने कितना व्रत कितना उपास किया। जैसे बहन जी ने लिखा कि एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, विश्वास नहीं टूटने दिया, भरोसा मत डिगने देना, अगर भरोसा नहीं डिगा तो ये विश्वास मानना कि अगर एक बार के पशुपति व्रत में या 1 महीने तक मंदिर जाने से, 2 महीने मंदिर जाने से भी काम ना हो, उसका दरवाजा मत छोड़ना, चाहे दुनिया के लोग कहें तुम इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, नहीं, बड़ी मुश्किल से शिव का द्वार मिला है, शंकर का दरवाजा मिला है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देवता आज समझ में आया कि वो महादेव है, तो मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं। और जब मृत्यु लोक का देव मुझे समझ में आ गया, एक बार मैंने जान लिया कि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महा देव है, तो फिर कैसे कैसे। एक माताजी ने पत्र में लिखा है, सबने कह दिया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू को संतान नहीं होगी। जिसने पत्र लिखा हो पत्र ढूंढना अपना, जिसने पत्र लिखा हो कि बहू को संतान नहीं होगी, लिख दिया था, बता दिया था, कह दिया, फिर सफेद आंकड़े का प्रयोग करा, शिव की भक्ति करी, पशुपति व्रत करा, और घर में एक बेटी का जन्म हुआ। जिसने पत्र लिखा हो उसने हाथ उठा देना, जिसने भी लिखा था, जिसने लिखा हो वो अगर बेटी हो तो हाथ उठा, लिखा और पुत्री का जन्म, तो महाराज वो लेख को भी पलट देता, उसकी कृपा।
पर एक बात याद रखना, जन्म मरण और परण ये तीन मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में है। जब उसको जन्म देना होगा तभी देगा, मृत्यु निश्चित है। किसको कब मरना है, कहां मरना है, कैसे मरना है, ये भी उसने निश्चित कर कर रखा है। कोई बचा नहीं पाएगा। राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित थी सर्प से डसने की, तो अनार का जो रस जा रहा था, जूस जा रहा था, उसकी पैंदी में गिलास में चिपक कर कच्छक नागंदर चले गया था, मृत्यु हुई, ये निश्चित है। मौत अगर लिख दी है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, निश्चित है। परण विवाह शादी, आप कितना भी प्रयास कर लो, जब तक वो बंधन नहीं बांधेगा तब तक बंधने वाले नहीं हो। वो बांधेगा तब बंधन। पर एक काम करना, धर्म के पथ पर चलना और कर्म करने में पीछे मत हटना। यीशु महापुराण की आज की कथा कह रही है। धर्म मार्ग बताएगा कि ऐसे जाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, शिव पर जल चढ़ाना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, शिव मंदिर जाना है, प्रणाम करना है, नमन करना है, पर कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। कोई परसा हुआ भोजन तुमको लाकर नहीं देगा। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में तो अगर भोजन भी बनकर आता है तो सामने रख कर दे दिया जाता है और कहा जाता है अपनी अपनी थाली खुद मांजो रे। थाली क्यों मंजवाई जाती है? क्या कुबेरेश्वर धाम में दो बर्तन मांगने वाले नहीं रख सकते? उसका कारण है कि इस धाम में आए हो तो तुम्हारा अभिमान नीचे पानी में धुल जाना चाहिए, अहंकार थाली की तरह साफ हो जाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी सांसत्ता होगी, मेरे घर में पत्नी थाली उठाकर ले जाएगी, पत्नी थाली धोगी, पत्नी लेकर जाएगी गिलास, पत्नी उठाकर ले जाएगी, ये तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अभिमत्ता तुम्हारे घर में चलती है, पर बाबा के दरबार में तो बाबा की सत्ता चलती है, यहाँ सब एक समान है, यहाँ पर कोई भेद नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। घर का भोजन वीआईपी भोजन, पर आश्रम का या कुबेरेश्वर बाबा का जो भोजन हो, अभी आप लोग खिचड़ी प्रसाद लेंगे या जो भी प्रसाद लेंगे, ये इसमें नमक है कि नहीं है, मिर्ची है कि नहीं, पर इतना जरूर है कि उसमें बाबा का प्रसाद है, खा लिए तो ना जाने कितनी बीमारी से दूर होते चले गए। शिव की कृपा, ये शिव का अनुमोदन, शिव का आनंद, उसमें कुछ नहीं है पर प्रसाद। महाराज, राजा सगर ने कहा, मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मेरे परमात्मा इतना देर से आप प्रकट हुए, आप इतनी देर से आ रहे। भगवान ने कहा, राजन मैं आ तो कब का जाता, पर तेरी पत्नियों के हृदय में, तेरी धर्म पत्नी के हृदय में भाव उत्पन्न नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। पर प्रभु मेरे यहाँ संतान का सुख तो आपको देना पड़ेगा, मेरे यहाँ औलाद तो तुमको देना पड़ेगी, मेरे यहाँ संतान तो तुमको देना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, सुन राजा सगर, संतान का सुख तो तेरे यहाँ पर होगा, पर जिसने जिस भाव से भजन करा है उसको उस भाव से औलाद होगी। ठीक है, मैं तुझे संतान का सुख देता हूँ, तेरी दोनों धर्म पत्नियों का गर्भ ठहरेगा, तेरी दोनों धर्म पत्नियों के घर में संतान होगी, सुन ले राजा सगर, पर जिसने जैसा अनुमोदन करा होगा उसे वैसी संतान उत्पन्न होगी। अब तेरी पत्नियों का गर्भ ठहरे तब तू अंदाजा लगा लेना। और राजा सगर की दोनों धर्म पत्नियां गर्भित हो गई, सुमति का भी गर्भ ठहर गया और केशनी का भी गर्भ ठहर गया। अब सुवन यहां सुमति जब गर्भ ठहरा क्या कर रही थी? पति तो शिवजी का स्मरण कर रहा था, अनुमोदन कर रहा था, ये एक डंडी हाथ में ले ली थी इसने, और पति अपना काम कर रहा था, डंडी तोड़ तोड़ के अभिषेक के समय, पूजन के समय, कईयों की आदत रहती है कि पूजन पाठ चलती रहती है तो कहीं गेहूं का दाना तोड़े, कहीं चावल का दाना तोड़े, कहीं फूल तोड़े,
जो चटाई पर आसन पर जमीन पर जितने लोग साथ में बैठे रहते हैं इनको कोई सामान मिल जाता ना तो उसको तोड़ते रहते हैं, उसको तोड़ते रहते। कई माताओं की आदत रहती कथा सुनते सुनते बत्ती बनाती रहेगी बत्ती बनाती तो रहेगी पर कथा भी तो सुन लो, तोड़ तो तुम दोगे। चावल का दाना मिल गया, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, कथा अपनी चल रही है, रपन उसको तोड़ा मरोड़ी कर दे रहे हैं, तो उसका फल क्या है वो जान लीजिए। राजा सगर की धर्मपत्नी सूर्य वंश में जन्मे राजा सगर, जिनके घर में भागीरथ बाबा जैसे आए, जिन्होंने तुरंत गंगा जी को लेकर आए, 60,000 जो श्रापित थे काका उनका उद्धार करवाया, करा क्या? बस वो कह दिया कि तुम्हें फल तो मिलेगा, संतान भी होगी, और वही हुआ। राजा सगर की एक पत्नी कुछ तोड़ने में लगी हुई थी पूजन के समय पर, उसका मन चित्त नहीं लगा हुआ था, इसलिए संतान तो हुई। गर्व से जिस बीज को वो तोड़ रही थी उसी बीज का तुम्बा उस रानी के गर्भ से जन्म ले लिया। अब तो चिंता में पड़ गया राजा सगर कि मेरी पत्नी के गर्भ से एक तुम्बे ने जन्म लिया, एक फल ने जन्म लिया, और ये तुम्बा एक फल मेरी पत्नी के गर्भ से। फिर भगवान शिव को याद करा, शंकर भगवान नहीं आए, देवऋषि नारद को याद करा, नारद जी आपको बताओ मेरी पत्नी के गर्भ से ये तुम्बा हुआ है, क्या करूं मैं? और राजा ने कह दिया तुम्बे को ले जाकर फेंक दो। इतने में तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा अगर शंकर भगवान ने कुछ दिया है तो रक्षा भी शिव ही करेंगे। शंकर भगवान का स्मरण करो, पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा था, एक फल जन्मा था, और राजा सगर ने शिव का भजन किया, फिर शिव का भजन। शंकर भगवान ने आकर पूछा राजन क्या हो गया? राजा कहते मेरी पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा, एक फल जन्मा तुम्बा। शंकर भगवान ने कहा तुम तो भजन में लगे थे, ये बीज को तोड़ रही थी, चावल का दाना हो चाहे कुछ भी हो तोड़ रही थी, इसलिए तुम्बे का जन्म हुआ है। घबराना नहीं, मैंने दिया है रक्षा मैं करूंगा। इस तुम्बे को तोड़ोगे इसमें से जैसे कद्दू को तोड़ते हो, कद्दू तुम्बा काशी फल या वो क्या बोलते तरबूजा खरबूजा, ये तुम्बा खरबूजा जैसा रहता है, तो इसको जब तोड़ोगे इसमें से छोटे छोटे बीज निकलेंगे, 60,000 बीज इस तुम्बे में से निकलेंगे। ये 60,000 बीज को तुम घी के घड़े में अलग अलग रखना, घी के घड़े में रखकर तुम मेरी आराधना में लीन हो जाना, फिर तुम्हारे को इस 60,000 बीज से 60,000 पुत्र तुम्हारे सम्मुख में प्रकट मिलेंगे। ये मेरा जिन 60,000 सूर्यवंशियों के लिए भगीरथी बाबा ने भगीरथी को लेकर आए थे, वो ये 60,000 थे जो शिव के द्वारा प्रकट हुए थे। ध्यान देना जरा बहुत, आप बैठो कथा में जब मन लगे तुम्हारा खूब दिल से सुनो, आस्था चैनल पर कथा आ रही है दिल से सुनो, फेसबुक पर सुनना दिल से सुनो, यहाँ बैठकर सुनना है दिल से सुनो, बाबा के मंदिर में जाओ दिल से सुनो, परमात्मा का स्मरण करना है दिल से करो, पर जितनी देर तुम्हारा मन लगे तुम उतनी देर भगवान के भजन में डूबो, जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे। मन लगना चाहिए। सगर शिव जी का स्मरण करा, प्रभु पधारो, शिव जी आए, क्या हुआ राजा सगर? सगर कहते हैं इस तुम्बे में से 60,000 बीज उत्पन्न हुए हैं, शिव जी ने कहा डाल दो घी के घड़े में, घी के घड़े में डाल दिया। एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना बीता पर संतान नहीं मिली, घी के घड़े में वो बीज पड़ा। आज के जमाने में जो ये डॉक्टर उन करते ना टेस्ट, भी संतान नहीं हो
तो ये जितने डॉक्टर लोग ये प्रैक्टिकल करते रहते हैं कि ये टेस्ट बेबी करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, कोई इनसे पूछे कि तुम ये निकाल कर कहां से लाए हो, ये तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया, ये कहीं दूसरी जगह से अंदाजा नहीं लगाया, शंकर की कथा में से हमारे पूर्वज, हमारे संत, हमारे ऋषिगण, हमारे साधुजन, हमारे महात्माजन, वेद व्यास जी ने जो अपने पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो लिख कर रखा है कि गर्भ से जन्म लेने के लिए भी संतान का जो सुख कहा गया, घी के घड़े में डाल दिया गया, पड़ा रहा शिव की आराधना 3 महीने तक राजा सगर करते रहे, पर घी के घड़े से संतान नहीं हुई। आखिरी में सगर की आंख में जल भर गया, प्रभु आप कृपा करिए। शिव जी ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा पूर्ण होगा, निश्चित है महाराज मिलेगा, समय आएगा, होगा, प्राप्त होगा, ये निश्चित है। समस्या कितनी भी निकट हो, पर एक बात याद रखना, शिव तो तुम्हारे निकट है ना। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, रात उठा सब जाते हो, रखिए जाना चाहिए, प्रतिदिन उसका द्वार ना छूटे, शंकर की भक्ति में, शिव के स्मरण में जाना चाहिए। कुछ कहना चाहते हो, दे जरा माइक। जल्दी तो जल्दी जरा, समय का समय। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। कहाँ से आई हैं दीदी? गुरुजी रोहतक से आए, हरियाणा से। अरे बहुत दूर से आए हो, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। गुरुजी मेरी फ्रेंड ने टिकट बुक करवाई थी 1 महीना पहले। बधाई दो उनको। हाँ जी, इनको ये रहे। जी जी, बहुत बहुत साथ। मैंने बोला था भाई गुरु जी मिले मेरे को, मेरा जब कथा सुनू, मेरी जब बोला ना सुने, तो फिर मैंने भोलेनाथ को प्रार्थना की, भोलेनाथ ने मेरी सुन ली, सुन ली, मिल गई कथा भी मिल गई, और मैं आ गई। जय हो, हर हर महादेव। गुरु जी दुख भी बतेरे ने, परेशानियां भी बतेरिया ने, ते भोले बाबा दी दया भी बतेरी। जय हो, जय हो। सब शिव संभालेगा, बाबा बैठा है, हर हर महादेव। दीदी आप साथ में आए? गुरु जी हम 20 जने आए हैं रोहतक हरियाणा से। कितने? 20 से खड़े हो जाओ, 20 ही खड़े हो जाओ, रोहतक हरियाणा वाले। गुरु जी अचानक टिकट हुई हमारी, ये बच्चा अजर कर बैग बना के जाया, मम्मी टिकट होगी तो चलूंगा, नहीं तो वापस घर चला जाऊंगा मैं। फिर सर इसकी टिकट होगी गुरु जी, बच्चे की है, सभी की। जय हो हरियाणा वालों, शिव कृपा हो गई। जय हो मेरा जी, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए, जब तक शिव की करुणा ना हो, बैठो थोड़ी देर बाद, शिव की करुणा ना हो तब तक कोई आनंद की अनुभूति नहीं। जाओ प्रतिदिन, प्रतिदिन जाकर उसको प्रणाम करो, प्रतिदिन जाकर उसको नमन करो, प्रतिदिन जाकर उससे निवेदन करो, प्रतिदिन जाकर उससे बोलो कि तेरी कृपा से। जब तक उसकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता महाराज। 4 महीने पूर्ण हुए, 5 महीने पूर्ण हुए, 6 महीना पूर्ण हुआ, 9 महीना पूर्ण हुआ, घी के घड़े से जो एक एक बीज डाले गए थे उससे एक एक पुत्र ने जन्म लिया, राजा सगर की एक रानी से 60,000 पुत्रों ने प्रकट हुआ कर भगवान की भक्ति को धारण करना। दूसरी रानी से भी एक पुत्र हुआ अंशु, एक पुत्र। अब एक बात याद रखिए, डॉक्टर आप बना सकती हो बच्चों को, इंजीनियर आप बना सकती हो बच्चों को, कलेक्टर आप बना सकती हो बच्चों को,
एसपी डीएसपी मंत्री संतरी कलंत्री जो बनाना है सब आप बना सकती हो, पर एक बात याद रखना, बच्चे को पढ़ा सकती हो, खूब अच्छा कॉलेज दिला सकती हो, खूब अच्छे से पढ़ा सकती हो, ट्यूशन लगा सकती हो, डॉक्टर इंजीनियर सब बना सकती हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भाग्य नहीं बना सकती, भाग्य तो देवदेव महादेव ही बनाता। कलेक्टर भी बना, आईएएस ऑफिसर भी बना, इंजीनियर भी बनाओ, आपकी मर्जी पड़े आप जो बनाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। वो बन जाएगा, पचास डॉक्टर हैं, पचास सब डॉक्टर बन गए, पर किसी किसी के हाथ में ऐसा यश रहता है, किसी किसी डॉक्टर का ऐसा नाम चलता है कि बस उसके पास गए, उसने हाथ लगाया, उसने कहा और दवाई ज्यादा नहीं लिखी, एक गोली लिख दी और तुम ठीक हो गए। बोलो भाग्य किसने बनाया? डॉक्टर पचास बने एक ही कॉलेज में, गला पकड़ो, एक ही कॉलेज में, एक ही जगह पर, एक ही जगह से इतने सारे इंजीनियर निकलते हैं, एक ही कॉलेज से इतने सारे डॉक्टर निकलते हैं, एक ही जगह से इतने सारे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, इतने सारे लोग सब नौकरी करते हैं, पर जो पदवी पर बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर पहुंचाना, तुमने लगा दिया, तुमने डॉक्टर बना दिया, तुमने इंजीनियर बना दिया, पर किसी किसी के हाथ में, किसी किसी के भाग्य में वो लेख लिखा होता है कि इसके द्वारा ये होगा, ये निश्चित। डॉक्टर आप बना दोगे, इंजीनियर आप बना दोगे। चलो और सरल भाषा में समझो, दुकान में पैसा पिताजी लगा देंगे, दुकान में माल भी पिताजी भर देंगे। बोलो सही है कि गलत है? और नाम लिखते ना सामने बोर्ड, वो भी पिताजी लगा देंगे। अखबार में प्रचार भी पिताजी कर देंगे। पर दुकान नहीं चले तो अब इसमें पिताजी क्या करेंगे? कुछ करेंगे? फिर किसकी दुकान? तुम्हारी। बेटा हमारा काम है तुम्हारे को वहां तक ले जाकर छोड़ दिया, तुम्हारा ब्याह कर दिया, शादी कर दी, दुकान डलवा दी, नौकरी करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, अब आगे तुम्हारा भाग। पिताजी माताजी ने लड़की देखी, बहुत अच्छी, दिखने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, माता पिता अच्छे, संस्कारी थे, सब कुछ अच्छा, अब आगे तुम्हारा बात। हमने जब शादी करी थी तब तो वो महागोरी थी, उसके बाद वो चंद्रघंटा कब बन गई किस किस, तो ये तो माता पिता नहीं जान सकते, तो महागौरी थी, महागौरी कब चंद्रघंटा बन गई, ये तो जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत, इसलिए भाग्य को कौन बदल सकता है, कहां जाकर बदला जा सकता है? इस मस्तक को गुरु के चरणों में, कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में, शिवजी के चरणों में, माता पिता के चरणों में हम क्यों झुकाते हैं कि इसमें कहीं की उल्टी रेखा हो तो ये रज कुबेरेश्वर धाम की, ये माता पिता के चरणों की रज, ये गुरु के चरणों की रज इस रेखा पर लग जाए और ये उल्टी से सुलटी हो जाए, सीधी हो जाए, इसलिए इस मस्तक को हम बार 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 बार। उसको झुकाने का प्रयास, महाराज
कोई इंतजार कर 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 थक जाता है और कोई ने थोड़ा सा इंतजार करा और शू मिल जाता है। यदि डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, सारे पद औहदे तुमको मिल गए, तुम्हारी दुकान भी खुल गई, नौकरी भी लग गई, सब कुछ हो गया, तो भी तुम्हारे किस्मत में अगर यश नहीं है, तुम्हारे को उसका फल नहीं मिल रहा, दुकान बहुत बड़ी, शोरूम बहुत बड़ा, बहुत शान सत्ता से बनाया, कांच भी लगाया, एसी भी लगाया, पूरे शोरूम के अंदर दो चार नौकर चाकर भी रखे, यहां तक सब ड्यूटी लगा के रखी, सारा कंप्यूटर कंप्यूटर सब जमा के रखा, उसके बाद भी शोरूम में कोई नहीं चढ़े और किसी की दुकान छोटी सी बिल्कुल जरा सी और उसकी दुकान में भीड़ भारी है, तो ये बाबा से कहना, बाबा क्या करा, दुकान तो बहुत बड़ी थी पर चल क्यों नहीं रही, तो शिवजी भी कहेगा, देख तेरे घर के लोग दुकान डला सकते हैं पर भाग्य नहीं बना सकते, भाग्य अगर बनाना है तो शिव कहते हैं किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर, नमन करना प्रारंभ कर, अपना मस्तक भगवान के सामने झुकाना प्रारंभ कर, अपने हृदय को कोमल बना, हृदय से चित्त से थोड़ी नम्रता लेकर आ, अकड़ नहीं चलती, ये थोड़े दिन कहते हैं अकड़ना मुर्दे की शान होती है, झुकना जीते की पहचान होती है, मुर्दा मरने के बाद ही तो ये शरीर भी अकड़ता है, झुकना सिखाई, अभी अभी सागर की कथा में कहा था केदारनाथ जी की चढ़ाई करना है, माता रानी की चढ़ाई करना है, वैष्णो देवी की चढ़ाई करना है, तो शरीर जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो ये शरीर थोड़ा झुक जाता है, अगर कल्ले होकर चढ़ोगे तो थोड़ी देर में थक जाओगे, झुक कर चढ़ोगे ऊपर तक पहुंच जाओगे, उसी तरह बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत तरक्की करना है तो अकड़ में मत नहीं रहना, थोड़ा सा नम्रता अपने भीतर लेकर आना, थोड़ा झुकना सीख जाना, माता पिता ने कहा गलत नहीं कहा, मेरे घर के बुजुर्गों ने कहा गलत नहीं कहा, मेरे को जो बड़ा मिलता है वो मुझे एक ही बात कहता है, तुम अकड़ रहे हो, थोड़ा अहंकार को दबाइए, नम्रता लाई, नम्रता नम्रता नम्रता, इस नम्रता के भाव को हमें प्रकट करना है, जब नम्रता का भाव प्रकट होता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती, भाग्य का कपाट खुल जाता है और तू उन्नति की सीढ़ी पर पड़ जाता है, चढ़ जाता है, बस वो नम्रता के बल पर चढ़ सकते, और जब ईश्वर से पहचान होगी तब परमात्मा से जब आनंद की अनुभूति बढ़ जाएगी।